इकाई दहाई सैकड़ा को कैसे समझें, वंस टेंस थाउजेंड्स कैसे समझें, अंकों को शब्दों में लिखना और शब्दों को अंकों में लिखना। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कुछ संख्याएं हिंदी में 210, यहां पर कुछ लोग लिखते हैं 210 इस तरह से लिखते हैं। दूसरी संख्या मैं यहां आपके सामने लिख रहा हूं 3500, ठीक है, क्या लिखते हैं 3500 इस तरह से। अगर कह दिया जाए 120,000, तो जानते हैं कि 100,000 में 5 जीरो होते हैं और जो हजार होता है 100,000 में 5 जीरो, तो 5 जीरो ऐसे लग गया, और 20,000 तो ये 20 और हजार में 3 जीरो। तो बताइए दोस्तों, क्या ये सही है? जी नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग इसके बावजूद इसी तरह से कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सही सही जानेंगे कि हम लोग सटीक सही सही तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं। सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख दिया हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। चलिए मैं यहाँ पे इसको गिनती से दर्शा दे रहा हूँ कि ये देखिए किस नंबर पे आ रहा है, वंस पहले नंबर पे। समझते हैं कि इसको हम कैसे सही सही लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे आप लिख सकते हैं, देखिए इस तरह का कोई भी वर्ड आपके सामने लिखा हो, ठीक है, चलिए पहले यहाँ इधर समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 1245, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको ये देखना है इसमें कि देखिए ये यहाँ पर ये जो हज़ार आया है, ये हज़ार आया है, ठीक है, तो इसके आगे जो अंक लिखा है वो इकाई में है या फिर दहाई में है। कहने का मतलब है कि 1 से 9 के बीच तक तो इकाई होता है और उसके ऊपर जब जाता है तो वो दहाई हो जाता है, तो वो डबल हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे ही 9 हम के बाद 10 में जाएंगे तो 1 लिखकर 0 होगा 10, ठीक है। तो अब अगर हमें इसको अंकों में लिखना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हजार कह रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी को गिनेंगे और ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हजार पर हम लोग आ गए हैं, यानी कि 4 अंक हमारे इस संख्या को जब हम अंकों में लिखेंगे तो टोटल 4 अंक होने चाहिए, ठीक है। तो 4 बिंदी मैं यहाँ बना ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया और हजार हो गया। तो हजार वाला जो अंक होगा वहां पर क्या होगा, तो हजार तो है लेकिन कितना है, 1000 है, तो यहाँ पर हम हजार वाले स्थान पर 1 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 200 है, यानी सैकड़ा, 100 जो भी होता है वो सैकड़ा यानी कि तीसरे नंबर पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 2, तो इसका मतलब ये हो गया कि इकाई दहाई सैकड़ा यानी जो तीसरा अंक है वहाँ पर हमें सैकड़ा लिखना है, और सैकड़ा में देखिए 200 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। इसके बाद यहाँ है 45, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 लिखकर 5। इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारे लिखने का पैटर्न होता है और हम शब्दों को अंकों में इसी तरह से लिखते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं अंक, यहाँ पर हम ले रहे हैं 1,25,000, ठीक है। अब ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको यही डिसाइड करना है कि इसमें कितने अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 1,25,000 है, तो देखिए यहाँ पर फिर से हमें वही देखना पड़ेगा कि देखिए ये लाख तो है लेकिन इसके पहले का जो अंक है हमें देखना पड़ता है कि वो इकाई में है कि दहाई में है, मतलब कि 1 से 9 के बीच में है कि या 10 से 99 के बीच में है, ठीक है, ये हमको देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सैकड़ा तक तो अलग अलग चला है, हजार के बाद 10,000, तो देखिए इसका एक साथ बन गया है, हजार और 10,000। तो जब 1 से 9 तक आता है तो हम केवल यहीं रहते हैं, लेकिन जैसे ही 10 से ज़्यादा आएगा तो हमें दोनों को लेना पड़ता है। यहाँ पर देखिए लाख 10 लाख, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर देखिए करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, इस तरह से फ्रेंड्स ये
पीछे से तीन तो अलग रहता है लेकिन उसके बाद दो दो एक साथ होते हैं, तो इसी हिसाब से हमें इसको डिसाइड भी करना पड़ता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले लाख है और लाख के आगे यहाँ पर एक है, ठीक है, इसका मतलब ये इकाई में ही आएगा, हमें लाख तक एक ही इकाई वाले लाख तक पहुँचना है, डबल नहीं लेना है। तो यहाँ से चलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख। अब देखिए लाख तो एक ही लाख है इसलिए हम यहाँ रुके रहेंगे, अगर यहाँ पर 12, 22, 25 यानी दो अंकों वाला लाख होता तो हमें इसको भी लेना पड़ता और इसको भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको लिखने जा रहे हैं, तो देखिए यानी कि हमारा कई अंक तक होना चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः अंक तक होना चाहिए। तो चलिए छः बिंदी पहले हम यहाँ बना ले रहे हैं, छठ हो यहाँ डॉट हम बना ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सोचिए कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए एक लाख है यानी जो लाख वाला जगह है वहाँ पर हम लोगों को एक लिखना है, तो ये लाख वाला जगह है यहाँ पर हम लोग एक लिख दे रहे हैं, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर 25,000 है, कितना है 25,000 है, तो यहाँ देखिए ये 25 में डबल आ रहा है, दो आ रहा है, तो आप देखिए हज़ार और 10,000 ये दोनों जगह पर हमें भरना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हमें दो लिखना पड़ेगा और यहाँ पर पाँच लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या इसके आगे कोई और अंक है, नहीं है, जब नहीं है तो यहाँ पे जो डॉट बच रहे हैं वहाँ हमें जीरो लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, जीरो। इस तरह से ये हो चुका है 1,25,000, ठीक है। तो अब इधर से तो हम लोगों ने कर लिया, आप इधर से भी करके देख लीजिए, तो देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, पीछे से तीन अंक पर कॉमा लगाया जाता है, इसके बाद फिर दो दो अंक पर कॉमा लगाया जाता है, क्योंकि देखिए इकाई दहाई सैकड़ा अलग अलग होता है, अब हजार दस हजार एक साथ होते हैं, तो ये देखिए दो दो एक साथ है इसलिए यहाँ दो दो अंक पर कॉमा लगा के फिर हम पढ़ते हैं। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा कुछ भी नहीं है, हजार दस हजार यानी कि इसको लेकर हमें हजार में बोलना है, तो ये 25,000 हो गए अगर केवल यहीं तक बात किया जाए तब, लेकिन अगर इसको भी लिया जाएगा तो हजार दस हजार लाख, यहाँ लाख आ रहा है तो 1,25,000। चलिए फ्रेंड्स एक और हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, 10,02,500। अब देखिए यहां जानबूझकर मैंने अलग अलग लिया है, ठीक है, तो देखिए इसको आपको क्या करना है, देखिए 10 करोड़ चला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो अंक होगा उसमें कितने अंक होंगे, हमारा जो भी हम लिखेंगे कितने अंक उसमें होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़कर देख लेते हैं कि कहाँ पर 10 करोड़ तक आ रहा है, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी कि 9 अंक टोटल होने चाहिए। यहाँ पर हम 9 बार डॉट लगा दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार डॉट हम लोगों ने लगा दिया। अब देखिए फिर से गिन लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों का जो सबसे आगे है करोड़ में 10 करोड़ है, यानी हम लोगों को दो दो डॉट को लेकर 10 लिखना है, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 10 लिखना है तो एक लिखकर जीरो होता है, ठीक है, तो ये हो गया 10 करोड़। अब यहाँ पर देखिए 2 लाख है और 2 लाख में देखिए ये दो जो है ये सिंगल है यानी कि 1 से 9 के अंदर ही है, ठीक। यहाँ पर अगर 22 होता तो हम दो अंक लेकर के लाख में लिखते, लेकिन एक ही अंक है, लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ा है यहाँ लाख और 10 लाख दोनों पढ़ा है, तो ये जो 2 लिखाएगा ये जो सिंगल वाला लाख है यहाँ लिखाएगा, अगर इसके बाद अगर यहाँ पे 2 के अलावा 9 से ज़्यादा रहता है जैसे 10, 11, 12, तो ये दोनों लेकर हम लिखते, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 2 लाख और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 0। तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे और यहाँ कर देंगे 2। इस तरह से ये हो चुका है 2 लाख। अब हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पर लास्ट में कह रहा है 500। तो देखिए सैकड़ा 100 किस में आता है, सैकड़ा में तीसरे स्थान पर, ठीक है, तो वहाँ सैकड़ा में 5 हम लोगों को लिखना है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा में कितना लिखना है, 5। अब आप सोच रहेंगे कि बाकी जो डॉट्स बचे हैं वहाँ क्या लिखना है, तो जब वहाँ कुछ भी नहीं आएगा तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए ये जो भी अंक है ये यहाँ पर हमारा अंकों में लिखा गया है, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ भी लेते हैं। चलिए फिर से इधर से इधर हम लोगों ने लिखा है, अब हम लोग इसको इधर से इधर पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़ने का तरीका क्या है, हम पीछे से 3 अंक पर कॉमा लगाते हैं,
इसके बाद दो दो अंक पर कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये पीछे से इकाई दहाई सैकड़ा है, मतलब 500 हुआ, हजार 10,000 में कुछ नहीं है तो अभी 500 ही है, फिर लाख में 2 आया है और 10 लाख में कुछ नहीं है तो 2,500,000 हो गया यहाँ तक। इसके बाद अगर यहाँ पर आएंगे तो करोड़ 10 करोड़, यानी कि 10,02,05,000, इस तरह से ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको समझ गए हैं तो अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, 210, तो इसके पहले जो लिखा गया था शुरू शुरू में वो तो रॉन्ग था, गलत था। अब इसका सही क्या होगा, तो देखिए 210 लिखा हुआ है। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा ही 100 होता है, तो यहाँ 3 अंक में ही लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर 3 अंक में ही हमको लिखना है, क्योंकि इकाई दहाई और सैकड़ा, सबसे पहले यहाँ पर 100 आया है और 100 सैकड़ा यहीं पर खत्म हो जा रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो देखिए 3 डॉट्स मैंने लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर सैकड़ा जो 100 दिया है, कितना 200 दिया है, तो इकाई दहाई सैकड़ा तीसरे नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ 200 दिया है तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में दिया है 10, तो इकाई और दहाई, तो इकाई में तो कुछ नहीं रहेगा क्योंकि 10 में पीछे 0 होता है और यहाँ पर ये हो जाएगा 1, 1 लेकर 0 10, इस तरह से ये हो गया 210, ठीक है। तो कन्फर्म हुआ फ्रेंड्स, जबकि हम लोगों ने पहले क्या लिखा था, यहाँ पर पहले हम लोगों ने लिख दिया था 200 और 10 ऐसे, जो कि क्या था, गलत था। तो देखिए गलत और सही दोनों मैंने लिख दिया है ताकि आप इसमें कंपेरिजन कर लें कि कैसे आपको लिखना है और क्यों गलत होता है। यहाँ पर आप लोगों ने पहले लिखा था ऐसे 3000, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होता है, और 500 ऐसे लिखा था, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, देखिए 3500 लिखना है, तो सबसे पहले 1000 आया है और यहाँ पर आया है 3, और ये 1 से 9 के बीच है, तो यहाँ पर हम सिंगल ही लेंगे 1000। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000, यहाँ पे सिंगल ही हमें लेना है, हम डबल तब लेंगे जब ये 1000 का ये जो आगे है 3 लिखा हुआ है, 3 के बजाय ये 1 से 9 के बजाय ये उससे ऊपर आए, यानी कि 2 अंकों वाला आए, तब हम यहाँ 5 तक लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 ही है तो हम कितने अंक लेंगे, 4, तो चलिए 4 हम यहाँ बिंदी बना दे रहे हैं, 4 डॉट बना दे रहे हैं यहाँ पे। अब चलिए हम लोग इसको फिल करते हैं, सही सही क्या होगा, चूंकि ये तो था गलत। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा इकाई दहाई सैकड़ा 1000, चौथे नंबर पे आ रहा है 1000, तो यहाँ 3 है तो हम यहाँ लिखेंगे 3000, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 500, तो यहाँ पर देखिए सैकड़ा, 100 मतलब सैकड़ा, और सैकड़ा तीसरे नंबर पर आता है तो यहाँ हम लिख देंगे 5, और यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है तो जो डॉट्स बचे रहेंगे वहाँ पर हम 0,0 लगा देंगे, ठीक है। ये अब यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा था, देखिए इसको लिखा था हम लोगों ने 1 लाख, चूँकि लाख में 5 जीरो होते हैं, और 20, 1000 में यहाँ पर 3 जीरो, इस तरह से लिखा था जो कि गलत था। सही क्या होगा, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए 1 लाख, अब देखिए लाख शुरू शुरू में आया है लेकिन यहाँ 1 ही है, मतलब सिंगल लेना है। तो देखिए यहाँ पर लाख है, यानी कि टोटल 6 अंक होने चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10000 लाख, 6 अंक होने चाहिए, तो यहाँ हम 6 डॉट बना ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसको फिल करेंगे, तो अब देखिए 1 लाख, यानी कि 1 इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10000 लाख, तो जो लाख वाला है वहाँ पर 1 बता रहा है ये, तो यहाँ पर है ये लाख सबसे लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे तो 1 लाख हो जाएगा। इसके बाद है 20000, अब देखिए यहाँ पर ये 20 आया है और ये 20 क्या है, 10 के ऊपर है, तो इसमें डबल आएगा, 2 लिखकर 0, तो यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा को छोड़ दी तो 1000 10000, दोनों में 1000 आ रहा है तो 20 है, इसलिए हम दोनों को लेंगे 2 लिखकर 0, इसके बाद यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे, इस तरह से ये हमारा सटीक हो चुका है 1,20,000। अगर आप देखना चाहें तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक पर कॉमा लगा दीजिए, फिर 1000 10000, फिर यहाँ कॉमा लगा दीजिए, तो इस तरह से देखिए 1,20,000 हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि ठीक है ये तो राइट है, ये जो रॉन्ग हो गया, तो वास्तव में ये जो रॉन्ग लिखा हुआ था ये अगर इसको लिखा जाए तो कितना लिखा जाएगा, तो आइए इसको भी देख लेते हैं ये कितना लिखा जाएगा। ये देखिए ये कितना है, आइए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इकाई दहाई, ठीक है, तो ये 10 हो गया, अभी इतना 10 हो गया, सैकड़ा में कुछ नहीं है तो 100 कुछ भी नहीं है, 1000 में कुछ भी नहीं है, 10000 में 2 है, तो हम यहाँ पर दोनों को साथ में लेंगे तो ये हो जाएगा 20,010, ये कितना हो जाएगा 20,010,
10, ठीक है। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आया, अगर हम इसको समझ गए तो देखिए सटीक में कितना है, नहीं तो कितना बड़ा फासला हो जा रहा है। तो इसीलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पर है 3500, ये सही वाला, लेकिन ये जो गड़बड़ लिखा गया था तो ये वास्तव में था कितना, ठीक है। इसको आइए हम लोग देखते हैं, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर 3 अंक पर फ्रेंड्स, अंकों से शब्दों में लिखने के लिए 3 अंक कॉमा लगाते हैं, इसके बाद दो दो। यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, अभी ये 500 है, हजार 10,000 में कुछ भी नहीं है, लाख 10 लाख में यहाँ 3 लिखकर 0 है, तो ये दोनों लेना पड़ेगा, मतलब 30 हो जाएगा। तो देखिए कितना है, 30,05,000, कितना है ये, 30,05,000। अब चलिए हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं, यहाँ पर तो देखिए कितना है, ये देखिए 1,20,000 को इस तरह से लिखा गया था। तो आइए हम लोग इसको भी पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वास्तव में कितना है। तो देखिए जैसा कि हमारा इंडियन सिस्टम कहता है कि पीछे से 3 अंक पर कॉमा लगाइए, फिर दो दो अंक पर कॉमा लगाते जाइए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चलिए इकाई दहाई के हिसाब से पढ़ते हैं, तो इकाई दहाई सैकड़ा अभी कुछ भी नहीं है, हज़ार 10,000, यहाँ देखिए 2 लिखकर 0 है, तो इसको 20,000 माना जाएगा अभी तक। फिर देखिए लाख 10 लाख कुछ नहीं है, करोड़ 10 करोड़ कुछ नहीं है, अरब 10 अरब, तो यहाँ पर ये क्या है, 10 अरब, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ अरब 10 अरब आया है, तो 10 अरब और यहाँ पर हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो ये है 10 अरब 20,000। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इकाई दहाई समझ करके हम ठीक ठीक सटीक रूप से अंकों को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स इसको आप और संख्याएं लिख लिख कर अगर उन पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।